गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ही हैज गिवन ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वॉज गिवन बाई द चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कैसे हुआ सुनिए। वो जब 22 साल की उम्र में थे तो समुद्री सैर के लिए निकल गए। ही सेट आउट ऑन द वॉयज व्हेन ही वॉज एट द एज ऑफ 22 ईयर्स एंड ही वेंट टू द साउथ अमेरिकन साइड एंड एडजॉइनिंग आइलैंड्स। ही विजिटेड देयर एंड ही ऑब्जर्व्ड different type of Darwin's finches were called, means different type of birds you can say. अब वो 5 साल तक समुद्री यात्रा पर रहे and afterwards he went to the England. He studied at home and carried out the experiment. And on the basis of his experiment he gave the natural selection theory and by his ideas the way of thinking was changed by which we were giving idea how the different organisms have evolved. जो अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे थे उनका जो साइंटिस्ट उनके बारे में जो सोचते थे कि कैसे ये इवॉल्व हुए उस आइडिया को उन्होंने चेंज किया। ठीक है। और उन्होंने दिया नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी। दैट मीन्स नेचर सेलेक्ट्स, या सेलेक्टर का काम कौन कर रहा है? नेचर। लेकिन बेटा सुनिए कि नेचर सेलेक्टर का काम कर रही है लेकिन ही वॉज नॉट अवेयर बाई विच मैकेनिज्म द वेरिएशंस आर अराइजिंग। किस मैकेनिज्म के तहत ये अलग अलग भिन्नताएं जो हैं ये प्रोड्यूस हो रही हैं। आज हम कह रहे हैं जीन्स हैं, जीन्स करैक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, जीन्स में जब वेरिएशन आता है तो डिफरेंसेस अराइज होते हैं। बट दीज आइडियाज, ठीक है, सच टाइप ऑफ व्हाट वी कैन से ऑथेंटिक व्यूज वर नॉट देयर। ऑल्दो समहाउ in his time only Gregor Johann Mendel was carrying out his experiment, ठीक है, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट 1856 से लेकर के 1863 तक किए मटर के पौधे के ऊपर। लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट ने तो अपने किए हुए जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बारे में एक दूसरे के आइडियाज को नहीं जान पाए। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के आइडियाज को जान पाते, एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट थे उनको जान पाते तो हमें और ज़्यादा बहुत पहले ही इसमें डेवलपमेंट जानने को मिलता। तो डार्विन ने दिया नेचुरल सेलेक्शन। ओके, नेचर सेलेक्ट द वेरियस टाइप ऑफ चेंजेज विच आर अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वॉज गिवन बाई चार्ल्स डार्विन, ही सेट ऑन हिज वॉयज व्हेन ही वॉज एट द एज ऑफ 22 ईयर्स ऑन हिज स्मॉल बोट HMS बिगल एंड ही सेट आउट ऑन द वॉयज एंड ही रिमेन्ड फॉर 5 ईयर्स इन साउथ अमेरिकन रीजन्स एंड द एडजॉइनिंग व्हाट वी कैन से द आइलैंड्स एंड ही कैरिड आउट द डिफरेंट type of organisms, particularly the birds. And on this basis, he gave the conclusion, he gave his hypothesis that they are undergone different changes and nature has selected them. So natural selection theory was given by Charles Darwin and Charles Darwin has given a very very significant contribution.
फॉर कंसर्न कंसेप्ट ऑफ द इवोल्यूशन. थैंक यू.